एक गांव में एक गरीब किसान अपने छोटे से बेटे के साथ रहता था। किसान के पत्नी की मृत्यु कुछ दिनों पहले ही हो गई थी। वह थोड़ी सी जमीन के टुकड़ों में खेती करके अपना घर चलाता था। किसान का बेटा बड़ा ही नटखट था। वह अपने पापा से एक ही बात रट लगाए रहता था, पापा पापा हम इतने गरीब क्यों हैं? बेटा हम गरीब जरूर हैं, लेकिन हमारे भी दिन बदलेंगे जब तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा सा डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करने लगोगे तो उस दिन हम लोग अमीर हो जाएंगे। अगर गांव में अच्छा सा डॉक्टर होते तो तुम्हारी मम्मी की मृत्यु नहीं होती। तभी अचानक उसके घर के खिड़की पर एक चिड़िया आकर बैठी। किसान का बेटा उस चिड़िया को देखकर उसके पास गया। वह चिड़िया से कहा, लगता है चिड़िया भी मेरे पापा के तरह बहुत गरीब है। घर में खाना तो नहीं है, पर इसे पानी दे देता हूँ। किसान का बेटा चिड़िया को पानी दे देता है और कहता है, चिड़िया चिड़िया मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, पर क्या करें, घर में चावल दाल सब्जी कुछ भी नहीं है। मेरे पापा बाजार जाने वाले हैं, आज तुम यहीं पर रुको, खाना खाकर चली जाना। चिड़िया ने किसान की गरीबी हालत देखकर सोचा और कहा, किसान गरीब है पर दिल का अमीर है, आज रात मैं यहीं पर रुकती हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। किसान बाजार जाता है और कुछ खाने का सामग्री अपने घर लेकर आता है। शाम को सभी लोग खाना खाते हैं, चिड़िया भी खाती है और सभी लोग सो जाते हैं। लेकिन किसान का बेटा बहुत नटखट और जिद्दी था। वह अपने पापा से कहा, पापा हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? राजू के पापा बहुत अमीर हैं। उसका घर बहुत बहुत बड़ा है और उसका पापा उसे कार से स्कूल छोड़ने आते हैं। काश हम लोग भी राजू के पापा जैसे अमीर होते। बेटा आज हम लोग गरीब जरूर हैं, लेकिन भगवान चाहेंगे तो हम लोग एक न एक दिन अमीर जरूर बनेंगे और हमारे पास भी बड़ा सा घर होगा, गाड़ी होगी और तुम गाड़ी से स्कूल जाओगे। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा भी कुछ होने वाला है, क्योंकि आप यह बात मुझसे रोज कहते हो मगर कुछ भी बदल नहीं रहा है। इतना कहकर किसान का बेटा और किसान सो जाते हैं। चिड़िया किसान की सभी बातें सुनकर कहती है, यह किसान अपने बेटे से इतना प्यार करता है, यह किसान एक दिन जरूर अमीर बनेगा। अगले दिन सुबह जब किसान सोकर उठा तो 6 बज चुका था। उसके बच्चे को स्कूल का टाइम हो रहा था। वह जल्दी से तैयार होकर बाजार जाने के लिए रुपए निकालने लगा, क्योंकि उसने पैसे न होने के कारण एक ही टाइम का राशन की सामग्री लाया था जो शाम को ही खत्म हो गई थी। परंतु उसके तिजोरी में मात्र 10 रुपये ही था। इतने में तो 1 किलो चावल भी नहीं होता। वह सोचने लगा कि अब क्या करे। वह चिड़िया किसान को निराश देखकर सोचने लगी। वह जानती थी कि किसान अत्यंत गरीब है और परेशानियों का सामना कर रहा है। वह चिड़िया उनकी मदद करना चाहती थी, लेकिन चिड़िया की जुबानी उन्हें समझ में नहीं आती। उन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल था। बेटा यह 10 रुपये ले लो, बंटी चाचा के दुकान पर समोसे खा लेना। जब किसान के बेटे ने किसान से पैसे लेने लगा, तभी चिड़िया उड़कर उसके हाथ से पैसे लेकर उड़ने लगी। फिर किसान गिड़गिड़ाते हुए चिड़िया से कहता है, रुक जाओ चिड़िया, यह मेरी मेहनत की कमाई है, रुक जाओ प्लीज। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद चिड़िया एक पेड़ के डाली पर बैठ गई। किसान भागते भागते थक गया। किसान के बेटे ने चिड़िया से कहा, चिड़िया चिड़िया मेरे पापा के पैसे दे दो, यह पैसा मेरे पापा ने कड़ी मेहनत से कमाया है, मुझे स्कूल भी जाना है। तभी चिड़िया ने अपने चोंच से पैसे छोड़ दिए। पैसे जमीन पर आ गिरी। जब किसान जमीन से पैसे उठाने लगा तो देखा कि जमीन पर बहुत सारे सोने के सिक्के और पैसे पड़े थे। किसान और किसान का बेटा पैसे और सोने के सिक्के देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पापा चिड़िया हमारी मदद करना चाहती थी, तभी हमारे घर आई थी, अगर हम इसके पीछे नहीं आते तो शायद हमें यह सोने के सिक्के और रुपए नहीं मिलते। हाँ बेटा, मैं तुम्हें कहता था कि कभी न कभी हमारे भी दिन बदलेंगे। आज वो दिन हमें यह चिड़िया ने दिखा दी। यह चिड़िया हमारे लिए भगवान है। अब हम इन पैसों से एक बड़ा सा घर बनवाएंगे और तुम्हें शहर के अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे, ताकि तुम पढ़ लिख कर एक बड़ा सा डॉक्टर बनकर इस गांव के गरीबों की सेवा करो। बेटा जीवन में समस्या किसी के भी किसी समय आ सकती है। कभी कभी हमारी मदद करने के लिए कोई बाहर से भी आ सकता है, इसलिए जीवन में घबराना नहीं चाहिए।